मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शिरडी के साईं बाबा के दर्शन किए। इस दौरान उनकी धर्मपत्नी और पुत्र भी मौजूद रहे। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इस दौरान प्रदेश और देश की खुशहाली की कामना की। पूजा अर्चना सीएम शिवराज ने की है, साथ ही उन्होंने प्रदेशवासियों को नए साल की शुभकामनाएं भी दी हैं। सभी प्रदेशवासियों को, देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। नए साल में नए संकल्प, नई उमंग और नए उत्साह के साथ आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का निर्माण करना है। कोरोना की तीसरी लहर आ गई है, उसका मुकाबला जन सहयोग से करना है। आवश्यक व्यवस्थाएं बना ली गई है, लेकिन सजग रहना है, सतर्क रहना है। कोविड के संक्रमण को रोकने के अनुकूल व्यवहार करना है। नए साल में समृद्ध और विकसित मध्य प्रदेश के निर्माण के संकल्प को और आगे बढ़ाना है। हमारे प्रिय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत का संकल्प लिया है। आत्मनिर्भर भारत के लिए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश अधोसंरचना का विकास करना, ताकि अर्थव्यवस्था गतिमान बनी रहे और हम और बेहतर कनेक्टिविटी मध्य प्रदेश को दे पाए। सुशासन के नए मापदंड स्थापित करना है। शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में और बेहतर काम की आवश्यकता है। सीएम राइज स्कूल का निर्माण स्थान प्रारंभ हो जाएगा। अर्थव्यवस्था को और मजबूत बना के रोजगार के अवसरों का सृजन करना है। सृजन ताकि मध्य प्रदेश प्रगति और विकास के नए प्रतिमान करता रहे, लेकिन यह होगा प्रदेश की जनता के सहयोग से। उसकी जन भागीदारी का मॉडल मध्य प्रदेश का, उसी पर चलकर हम सब आइए मध्य प्रदेश की प्रगति और विकास में अपना योगदान दें।